क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर मौत बनकर सड़कों पर दौड़ रही यात्री बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाका तैयार कर लिया है। जनपद बहराइच में कुल 428 यात्री बसें रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 53 बसों का फिटनेस पूरी तरह फेल है, जिसको लेकर परिवहन विभाग के आला अधिकारी कार्यवाही की बात कर रहे हैं। हालांकि 15 दिनों के भीतर अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती है तो मुख्यमंत्री कड़ा एक्शन ले सकते हैं। फिरोजाबाद में हुई बस दुर्घटना के बाद वाहनों के फिटनेस को लेकर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। हालांकि संभागीय परिवहन अधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि जितने वाहनों का फिटनेस फेल है सभी के मालिकों को नोटिस जारी कर दी गई है। अगर समय से इसका निराकरण नहीं निकलता है तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। बहराइच में कुल 428 वाहन हैं, यात्री वाहन, जिसमें 53 वाहनों की फिटनेस फेल है। इन सभी को फिटनेस फेल कराने की नोटिस जारी कर दी गई, रजिस्टर डाक से भेजा गया है और जिन लोगों से व्यक्तिगत संपर्क हो रहा है उनसे व्यक्तिगत संपर्क करके बताया जा रहा है। फिटनेस फेल की नोटिस जो है आरटीओ प्रवर्तन और यात्री कर अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है। ये लोग संचालन में कहीं पाए जाए इनके खिलाफ बंदी की कार्यवाही की।